अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, होपफुली बच्चे आप सब ठीक होंगे। थ्री क्लास अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन कर लें। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे पेज नंबर 23 अपनी बुक का ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु इज़ द जेंट बीस्ट। ठीक है, हु कौन इज़ है जेंट बीस्ट का मतलब क्या होता है? जेंट क्या होता है? जेंट होता है कोई भी जानवर। ठीक है, ऐसा जानवर जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, जिसके ये भी कह सकते हैं जिसके 4 फीट होते हैं। बीस्ट क्या होता है? बीस्ट ऐसा इंसान होता है जिससे नफरत की जाए। ठीक है, काबिल नफरत आदमी। जेंट बीस्ट होता है विशाल जानवर। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, अपने नोट्स ओपन कर लें, नोट से टैली करते हैं आंसर। देयर फादर वाज अ जेंट बीस्ट। ठीक है, स्टोरी में कौन था जेंट बीस्ट? कौन था? देयर फादर, उनका बाप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द बशीज एंड वॉल टू। ठीक है, बशीज क्या होती हैं? झाड़ियाँ। वॉल क्या होती हैं? दीवार। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट डज द चाइल्ड, बच्चा कंपेयर क्या होता है? मुआवजना करना, कि उसने किससे मुआवजना किया है? झाड़ी और दीवार का। ठीक है, द बशीज आर कंपेयर टू ट्विस्टेड वायर। झाड़ियों का मुकाबला किसे किया है, सॉरी मुआवजना किया है? ट्विस्टेड वायर क्या होती हैं? डबी हुई तारें। वायर क्या होता है? तार। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, उसने वॉल को किससे कंपेयर किया है? वॉल इज़ कंपेयर टू अ वार्म फायर। वार्म फायर क्या होती है? गर्म आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द सेफ प्लेस और बेस। बेस बच्चे क्या होती है? बुनियाद। सेफ प्लेस क्या होती है? महफूज जगह। ठीक है, क्या है महफूज जगह और बुनियाद? द एरिया नेक्स्ट टू द गार्डन। एरिया जगह नेक्स्ट आगे टू द गार्डन बाग से। शेड क्या होता है? साया। वॉज अ सेफ प्लेस और बेस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? गार्डन से आगे, गार्डन शेड वॉज द सेफ प्लेस और बेस। बुनियाद और महफूज जगह कौन सी थी? नेक्स्ट टू द गार्डन शेड। ठीक है, गार्डन के साये से अगली जगह जो थी वो महफूज और बुनियाद थी। ठीक है बच्चे, ये था आपका टू डेज़ वर्क। इसको राइट करना है अपनी कॉपीज़ पे और अच्छे से लर्न भी करना है थ्री क्लास। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।